हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों को साइंस का चैप्टर समझने में और पढ़ने में कुछ नया सीखने में मज़ा आया होगा। आज का आपका सेक्शन रहेगा इंग्लिश का, जिसका फर्स्ट लेसन है आप विजिट टू गोवा। पहले आप लोग सब बुक निकाल लो। लेसन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 7 है। आप लोगों को पेंसिल भी हाथ में रखनी है, और जहाँ जहाँ पर मैं पेंसिल रखूँ आप लोगों को भी साथ साथ में रखनी है, ताकि आप उस शब्द को पढ़ना सीखो और उसका मीनिंग भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। निकाल लिया सबने बुक? शुरू करें? चलो ठीक है। पहला लेसन क्या है? अ विजिट टू गोवा। विजिट मतलब जाना, गोवा का विजिट मतलब गोवा जाकर आता है एक बच्चा, तो वो अपने फ्रेंड को उसके बारे में बताता है सब कुछ, कि कैसा था, क्या था, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो लेसन का नाम क्या है? अ विजिट टू गोवा मतलब गोवा का विजिट। ठीक है। अब पहले सबसे पहले क्या है, उसका एड्रेस है 68 ऑर्चिड अपार्टमेंट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली, May 21। देखो तारीख लिखी हुई है 21 मई, और उस ईयर कौन सा है? 2015। ठीक है। अभी इसमें स्टोरी चालू होती है, तो उसने पहले क्या लिखा है? डियर कृतिका मतलब प्यारी कृतिका, हाउ आर यू तुम कैसी हो? आई एम बैक फ्रॉम गोवा ओनली लास्ट वीक। मैं गए हफ्ते ही, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते ही गोवा से वापस आया हूँ। आई मिस यू अ लॉट देयर, मैंने तुमको वहाँ पर बहुत ज़्यादा याद किया। इट इज़ रियली अ ब्रेथ टेकिंग प्लेस, वो बहुत ही आकर्षक मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। आई वॉन्ट टू टेल यू सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट गोवा, मैं तुमको उस गोवा के पिकनिक जो हम मैं जाकर आई हूँ उसके कुछ फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक जगहों के बारे में, हकीकत के बारे में बताना चाहती हूँ। गोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। डेस्टिनेशन मतलब घूमने जाने की जगह जो दुनिया की मशहूर है। मोस्ट पॉपुलर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा घूमने जाने जैसी जगह मशहूर है, उनमें गोवा का भी नाम आता है। इट इज़ विजिटेड बाय मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ईच ईयर। ईच ईयर मतलब हर एक साल में बहुत ज़्यादा लोग, मिलियंस मीन्स लाखों में लोग वहाँ पर घूमने के लिए हर साल जाते हैं। वी ऑल्सो कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ गोइंग देयर वैन वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड टोल्ड हिम अबाउट द फैसिनेटिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ गोवा। हमको भी वहाँ पर जाने के जाए बाद ही पता चला कि वो कितनी अच्छी घूमने जाने जैसी और कितनी आकर्षक जगह है। जब तक हम खुद से नहीं जाकर आए, हम कब गए? जब मेरे पापा के एक फ्रेंड ने उनको ये सब बताया कि गोवा कितनी अच्छी घूमने जाने जैसी जगह है। आया यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। वी रीच्ड गोवा ऑन May 8। अब उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रही है वो अपने फ्रेंड को, कि हम गोवा कब गए थे? 8 मई को गए थे। वी बुक्ड रूम इन अ होटल, हमने होटल में रूम बुक करे थे। आफ्टर हैविंग सम रिफ्रेशमेंट वी डिसाइडेड टू गो टू द बीच। रिफ्रेशमेंट मीन्स थोड़ा नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने बीच मतलब समुद्र किनारे जाने का विचार करा। दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस आई हैव एवर सीन। वो बीच इतने समुद्र किनारे इतने सुंदर थे, मैंने लाइफ में पहली बार इतने सुंदर बीच समुद्र किनारे देखे थे। द स्विंग पाम ट्रीज प्रेजेंट अ ब्रेथ टेकिंग साइट। स्विंग पाम का जो ट्री का जो समुद्र किनारा था वो इतना सुंदर था कि एकदम आपको वहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा ही ना हो। वी इंजॉयड गोवन कुजीन एंड द आइसी कोल्ड मॉकटेल दैट वर सर्व्ड इन लिटल बीच शेक्स। वहाँ गोवन कुजीन मतलब कि हमने वहाँ का खाना भी खूब इंजॉय करा। मॉकटेल्स कोल्ड मॉकटेल्स मतलब जो अच्छे शरबत रहता है ना, मिक्स मॉकटेल रहते हैं, वो उसको भी हमने समुंदर किनारे पीने का खूब ज़्यादा मज़ा लिया। आया यहाँ तक समझ में? आप लोग मेरे साथ साथ में पेंसिल रख रहे हो ना? देखो हार्ड वर्ड एक बार देख लो, इसको कैसे पढ़ते हैं। फैसिनेटिंग, डेस्टिनेशन, टेम्पटेशन, रेसिस्ट,
बीचेस, ब्यूटीफुल स्विंग फार्म, ब्रेड टेकिंग, मॉकटेल, सर्ड, बीच शेक्स, जो जो भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग है इस पेज की उसको हमने फिर से दोबारा से रिपीट कर लिया है। मज़ा आ रहा है ना इस लेसन को समझने में? अब पेज टर्न करो चलो मेरे साथ में। अब क्या हम निकालेंगे? पेज नंबर 8 निकालेंगे। ठीक है, निकाला सबने पेज नंबर 8। अब आगे देख लेते हैं इस लेसन में क्या है। द बीचिस ऑफ नॉर्थ गोवा आर अ परफेक्ट डेस्टिनेशन टू स्पेंड योर हॉलीडेज एमिस्ट ऑल द डीन एंड हैपनिंग्स ऑफ द स्टेट। देखो, द बीचिस ऑफ नॉर्थ गोवा, जो नॉर्थ साइड के गोवा के जो बीचिस हैं, समुंदर किनारे हैं, वो एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मीन्स एकदम सही जगह है कहाँ पर आपको छुट्टियाँ बिताने के लिए, और एक अच्छी जगह पर आपको घूमने जाना हो और अच्छी सी छुट्टियाँ बिताना हो समुंदर किनारे, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट कौन सा है? नॉर्थ गोवा का समुंदर किनारा है। द बीचिस इन साउथ गोवा आर लेस क्राउडेड, क्लीन एंड ऑफर अ साइलेंट एंड काम एटमोसफेयर। देखो, ऊपर तो नॉर्थ गोवा की बात करी है, ठीक है, नीचे कौन से गोवा की बात करी है? साउथ गोवा की बात करी है। वहाँ उसके समुंदर किनारे कैसे हैं? वहाँ पर एक तो भीड़ कम होती है, साफ सफाई बहुत ज़्यादा होती है, और एकदम शांत एटमोसफेयर, एटमोसफेयर मीन्स वातावरण, वहाँ का वातावरण कैसा रहता है? बिल्कुल शांत रहता है, और वहाँ पर लोग भी बहुत कम रहते हैं। तो नॉर्थ गोवा, अगर आपको ज़्यादा भीड़ में घूमने जाने की इच्छा है, लोगों के साथ रहने की इच्छा है, तो वहाँ के लिए कौन सा परफेक्ट रहता है? नॉर्थ गोवा। और अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम साइलेंट जगह पर जाना है, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, साफ सफाई हो, एकदम शांति हो, शांति से अकेले रहने का मन हो, तो उसके लिए कौन सा परफेक्ट रहता है? साउथ गोवा रहता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? वी इंजॉयड मैनी वाटर स्पॉर्ट्स एंड सनबाथ फॉर आवर्स ऑन द सैंडी बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा। उन लोगों ने क्या इंजॉय करा था? वी इंजॉय मैनी वाटर स्पॉर्ट, पानी में खेलने के बहुत तरह के खेल, सनबाथ मीन्स जो समुंदर किनारे जो टेबल लगी रहती है उसके ऊपर लेट के जो सनबाथ लेते हैं ना, ये देखो इधर है ना, वहाँ पर सनबाथ लेने की घंटों तक, और सैंडी बीचेस मतलब रेतीले रहते हैं ना समुंदर किनारे, रेती में खेलने की भी खूब मजा आई। कहाँ पर? नॉर्थ गोवा में मजा आई। माय ब्रदर एंड आई मेड सैंड कैसल्स एंड कलेक्टेड शेल्स एंड सी बीड्स। तो मैंने और मेरे भाई ने क्या करा? रेत से घर बनाए, शंख बटोरे और सीपियाँ भी बटोरी। खेलते हो ना, जैसे घर में कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो रेती आती है, तो उसमें आप लोग भी खेलते हो ना, घर बनाते हो, उसमें से शंख निकलते हैं वो इकट्ठे करते हो, सीप निकलते हैं वो इकट्ठे करते हो। तो उसने और उसके भाई ने भी क्या करा? समुंदर किनारे यही सब कर रहे थे। इन द इवनिंग, शाम के समय, द सी प्रेजेंट्स ऑफ चार्मिंग व्यू। शाम के समय समुंदर किनारा और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। क्यों? अ गोल्डन सन डिप्ड लो इन द वॉटर। सूरज डूबता हुआ समुंदर के अंदर, उसकी परछाई बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। फिर क्या हुआ? अ फ्यू गर्ल्स फ्लू लेजीली इन अ ग्रे ब्लू स्काई। फिर क्या हुआ? थोड़े से गर्ल्स जो लेजीली एकदम आलस में ब्लू नीले कलर के आकाश में शाम के समय वो उड़ रहे थे। ये देखो, सूरज डूबता हुआ दिख रहा है और शाम को सारे पक्षी उड़कर अपने घर जाने लगते हैं ना थक के, तो वैसे ही उनको समुंदर किनारे शाम के समय सूरज भी डूबता हुआ दिख रहा था और पक्षी अपने घर जाते हुए भी दिख रहे थे। द वेव सीम्ड टू बी वेविंग एंड रशिंग एट अस। और जो समुंदर की लहरें थी वो हमको अपने पास में और हमारे पास भागकर आती हुई, लहराती हुई, आती हुई दिख रही थी। वी विल केम बैक नेक्स्ट ईयर। हम यहाँ पर अगले साल भी पक्का आएंगे फिर से घूमने। वी शाउटेड वैन वी वेंट देयर ऑन द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। हमारा जब वहाँ के पिकनिक का लास्ट दिन था, तब हम लोग वहाँ पर समुंदर किनारे जाके खूब ज़ोर से चिल्ला के बोल कर आए कि हम अगले साल भी इधर घूमने ज़रूर आएंगे।
वी बॉट बैक सम हैंडीक्राफ्ट आइटम एंड कैश्यू फ्रॉम गोवा। आप लोगों को पता होगा बेटा, किसी से सुना होगा कि गोवा के काजू बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। तो उसने क्या करा था, वो अपने साथ में वहाँ से हैंडीक्राफ्ट में हाथ काम करे हुआ कुछ सामान और गोवा से काजू लेकर आई थी। आई हैव ऑल्सो बॉट अ ब्यूटीफुल कॉन्च शेल फॉर यू, और मैंने तुम्हारे लिए शंख से बना हुआ एक खूब सुंदर झूमर भी लिया है। योर वेल विशर नव्या। फिर उसने ऐसे बोल के अपनी चिट्ठी का एंड कैसे करा, योर वेल विशर मतलब तुम्हारे अच्छी सेहत की कामना करने वाली तुम्हारी फ्रेंड, क्या नाम है उसका, नव्या। आई होप आप लोगों को मजा आई होगी। इंटरेस्टिंग लेसन है ना ये वाला, गोवा के बारे में बताया है ना, साउथ गोवा कैसा होता है, नॉर्थ गोवा कैसा होता है ना। अब हम क्या देखेंगे, इसके हार्ड वर्ड देखेंगे। तो पहला क्या है, ब्रेथ टेकिंग मीन्स वेरी एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव, मतलब कि इतना सुंदर और एकदम आकर्षक, घूमने जाने जैसा, फैसिनेटिंग मतलब एट्रैक्टिव। फिर डेस्टिनेशन द प्लेस वेयर समबडी इज गोइंग टू, जहाँ पर आपको घूमने जाना हो उस पर्टिकुलर जगह को क्या बोला जाता है, डेस्टिनेशन बोला जाता है। फिर है रेसिस्ट मीन्स टू स्टॉप मतलब रोकना। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक खूब अच्छी चाहना रखना। स्विंग मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, स्विंग मतलब क्या होता है, किनारे किनारे चलना। कुजीन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकिंग, कुजीन मीन्स क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर तरह का खाना बनाना। फिर है शेक, शेक मीन्स हट टाइप शॉप, शेक मीन्स क्या होता है, झोपड़ी के तरह दिखने वाली दुकान होती है। दिन एंड हैपनिंग अलाउड इम्प्लीसमेंट इम्प्लीसेंट नॉइस विद स्ट्रेंज इवेंट, ऐसी एकदम से अचानक जोर से होने वाली आवाज़ को क्या बोला जाता है, दिन एंड हैपनिंग्स। फिर है चार्मिंग लवली अट्रैक्टिव, चार्मिंग मतलब क्या होता है, एकदम अट्रैक्टिव और लवली। फिर है गर्ल्स बर्ड्स विद लॉन्ग विंग, जो पक्षी ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसे पक्षियों को क्या बोला जाता है, गर्ल्स बोला जाता है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया ये वाला लेसन, फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग वॉइस बॉक्स में अपना मैसेज भेज सकते हो, ताकि वो डिफ़िकल्टी को दूर कर देंगे। अब कल इस लेसन की आपको एक्सरसाइज समझाई जाएगी। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।